सो स्टूडेंट इट इज इंटरमीडिएट क्लास ट्वेल्व द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इट इज नेक्स्ट पार्ट इसमें ये मोलर चलक था मोलर कंडक्टिविटी क्या है देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर हम बताते हुए आप सभी को जो यू बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चलकता क्या है यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि वन मोल वैद्युत अपट्य बिलियन की चलकता को हम लोग मोलर चलकता कहते हैं इसे हम लोग लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं जैसे आप कोई कंटेनर लें और उस कंटेनर कंटेनर में ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यानी वैद्युत अवघट्ट बिलियन मिलाएँ जिसकी जो मात्रा हो वन मोल हो ठीक है और इसकी मूलरता कैपिटल यम मान लें तो वन मोल वैद्युत अवघट्ट बिलियन की जो कंडक्टिविटी होगी चरकता होगी उसे ही हम लोग मोलर चरकता कहते हैं इसे लेमडा यम से व्यक्त किया जाता है और आपको पता है मोलरता बराबर क्या होता है बिलिय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में तो यहाँ पर यम बराबर यन बाई भी हो जाएगा ठीक है और यन की मात्रा यहाँ पर हम लोगों को वन मोल लेनी है ठीक अब यहाँ पर यम बराबर वन बाई भी हो जाएगा यदि यन का मान वन रखेंगे तो यम बराबर वन बाई भी या भी बराबर क्या हो जाएगा वन बाई यम और ये लीटर में होता है आयतन हमेशा लीटर में होता है यदि इस पॉइंट को हम लोग मिली लीटर में व्यक्त करें तो एक लीटर में एक हज़ार एम एल होता है तो आयतन अब की बार क्या हो जाएगा एक हज़ार बटे यम जो यहाँ पर भी बराबर वन बाई यम यहाँ पर आयतन लीटर में यदि मान लें तो यह फार्मूला जनरेट होगा यदि आयतन को सीधे एम एल में रखें तो एक लीटर में एक हज़ार एम एल होता है तो भी की वैल्यू कितना हो जाएगी एक हज़ार बटे एम ठीक चूँकि वन मिलीलीटर बिलियन की जो चलकता होती है कप्पा के से व्यक्त करते हैं जो प्रीवियस पार्ट था उसमें आप पढ़े थे चालक वन एम एल बिलियन की जो चालकत्व होती है के के होती है इसलिए एक हज़ार बटे यम एम एल जो अभी ज्ञात किया गया इतने एम एल बिलियन की चालकत्व क्या हो जाएगा के इन एक हज़ार बटे यम इसके का इसमें क्या हो जाएगा गुड़ा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी चालकत्व को ही हम लोग बोलते हैं मोलर चलकता जिसको लेमडा यम से व्यक्त करते हैं लेमडा यम बराबर कितना हो जाएगा के गुणित एक हजार बटे यम के कपा यानी विशिष्ट चलकता कहलाती है हम क्या है मूलता बिलियन की तो नोट कर लें इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्ज मुक्त ऊर्जा वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्ज मुक्त ऊर्जा क्या है देखिए किसी भी निकाय द्वारा उपयोगी कार्य करने के लिए जितनी एनर्जी की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्ज मुक्त ऊर्जा और, और इसे डेल्टा जी से व्यक्त किया जाता है गिब्ज मुक्त ऊर्जा को फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से व्यक्त करते हैं और डेल्टा जी बराबर विद्युत सेल द्वारा किया गया कार्य चूँकि इस कार्य किया जाता है इसलिए यहाँ डब्ल्यू का मान माइनस में रखा जाएगा और आप जानते हैं कि डेल्टा भी जो विभवान्तर होती है विभवान्तर में जो परिवर्तन होता, डेल्टा होता? है, है, है? तो है डेल्टा भी बराबर क्या होता है डब्ल्यू वाई क्यू डब्ल्यू क्या है कार्य है क्यू क्या है आवेश यदि इसका त्रिय गुणा करेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा भी इन क्यू डेल्टा भी को बोलते हैं विभवान्तर और क्यू को है आवेश और क्यू बराबर क्या होता है एन आई एन क्या है वन मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको बोलते हैं या नहीं क्यों बराबर क्या होता है फार्मूला या नहीं और वन मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश एक फैराडे माना जाता है वन मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश माना जाता है एक फैराडे होता है और, और यदि वन मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश एक फेराडे है तो एन मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, emasya, आवेश क्या हो जाएगा उसी में एन का गुणा कर देंगे तो यानी हो जाएगा ठीक और इसी आवेश आवेश को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं इसलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा यन एफ़ तो वन मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश यदि क्यू बराबर ये नहीं निकाले हैं और इसको यदि फैराडे में व्यक्त करेंगे तो आ, क्या हो जाएगा क्यू बराबर यन एफ़ हो जाएगा यन मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालेंगे तो यन एफ हो जाएगा करेक्ट और दो ये दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो विभवांतर होता है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं इसको ई एम एफ ऑफ सेल से व्यक्त करते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है इसको ई एम एफ ऑफ सेल भी कहा जाता है या ई सेल ई नॉट सेल भी लिख सकते हैं डेल्टा भी बराबर ई e सेल इसको हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत वाहक बल जब आप कोई कंटेनर लेते हैं उसमें दो इलेक्ट्रोड खड़ा करते हैं कैनोड और एक कैथोड तो उनके बीच जो आवेश में परिवर्तन होता है उसको विभवांतर कहते हैं और यह विभवांतर में जो आ, परिवर्तन है या यह जो विभवांतर है इसको हम लोग ई एम एफ सेल यानी सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं ठीक और गिव्य मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी जिक्वल टू माइनस यहाँ पर ऊपर देखे थे माइनस डब्ल्यू यानी सेल द्वारा किया गया कार्य और डब्लू बराबर क्या होता है कार्य बराबर होता है क्यू इंटू डेल्टा भी ऊपर आप देखे हैं डब्लू बराबर क्यू इंटू डेल्टा भी यहाँ पर मान रखना है तो डब्ल्यू बराबर क्यू इन डेल्टा भी यानी कि डब्लू बराबर क्या हो जाएगा क्यू का मान अभी एन एफ होता है एन एफ रखेंगे एन एफ गुड़ित डेल्टा भी को लिख सकते ई e, एम एफ ऑफ सेल सेल का विद्युत वाहक बल जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं सेल का विद्युत वाहक बल तो W बराबर टोटल क्या हो जाएगा एन एफ गुड़ीते ई इंटू सेल तो डेल्टा जी की वैल्यू रखें डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा माइनस एन एफ इंटू ई सेल W का मान यदि इसमें ऊपर यहाँ पर फार्मूला में रखें तो डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा माइनस एन एफ घुड़ीते ई सेल ई सेल का मतलब सेल का विद्युत वाहक बल ठीक है और सेल का विद्युत वाहक बल को हम लोग इस फार्मूले से भी दिखा सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड यानी कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है कैथोड पर कैथोड का इलेक्ट्रोड भी हो या इसको मानक इलेक्ट्रोड बी हो ई नोट भी लिख सकते हैं कैथोड का इलेक्ट्रोड बी हो माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड बी हो ये दोनों अंतर करके हम लोग ई एम एफ एफ निकाल लेते हैं तो नोट कर लें इसे और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें अगला पॉइंट है प्रबल वैद्युत अम्ल और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्ट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ऐसे वैद्युत अपघट्ट पदार्थ जिनको कि जल में यदि घोला जाए तो पूरी तरह से घुल जाएगा यानी वो टूट जाता है और आयनित हो जाता है आ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं वैद्युत तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोलूशन होते हैं जिनको कि यदि वाटर में मिलाया जाए तो पूरी तरह से घुल जाएंगे यानी कि वो क्या हो जाता है आयनित हो जाता है आयनों में विभक्त तो हो जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं प्रबल वैद्युत अवघट्टे और इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एच है सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच और के सी एल है पोटेशियम क्लोराइड उसके अपोजिट में चले दुर्बल वैद्युत अवघट्टे तो ऐसे वैद्युत अवघट्टे पदार्थ जिनको कि यदि जल में घुलें तो वह पूरी तरह से घुल नहीं पाते यानी आयनित नहीं हो पाते पूरी तरह से जिनका आयनन नहीं होता उनको हम लोग क्या बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य और इसका एग्जाम्पल होता है एस देखें एस्टिक एसिड और एच हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड करेक्ट अगला पॉइंट है कुल्डराउस का नियम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुलराउस का क्या नाम है वैज्ञानिक का नाम तो कुलराउस था उन्होंने क्या बताया कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अवघट्ट की जो मोलर चलकता है उस विद्युत अपघट्ट के धनायन और ऋणायन के मोलर आयनिक चलकताओं के योग के बराबर होता है ठीक अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर कंडक्टिविटी है मोलर चलकता उस विद्युत अपघट्ट के धनायन और ऋणायन धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चलकताओं के के बराबर होता है ठीक जैसे एन ए सी एल एन ए सी एल की मोलर चलकता मोलर चलकता को हम लोग आ, यहाँ पर एम नॉट से प्रदर्शित करते हैं तो एन ए सी एल की यदि मोलर चलकता आपको ज्ञात करना है तो एन ए सी एल की क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी यानी एम मोलर चलकता बराबर uh...। सोडियम आयन की मोलर चलकता और uh... प्लस uh, क्लोराइड आयन की मोलर चलकता यहाँ पर डिफिनेशन बोल रहा है कि जो मोलर चलकता है uh...। किसी भी वैद्युत अब घट्टे सी एल के लिए उसकी जो मोलर चलकता होगी उसके धनायन धनायन का मतलब एन ए प्लस और उडायन का मतलब सी एल माइनस इनके आ, जो ये एन ए सी एल है इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसके धनायन और उडायनों के मोलर चलकताओं के योग के बराबर होता है ठीक है लेम्डो नॉट यानि कि अनंत तनुता पर यहाँ बोल रहा है अनंत तनुता है अनंत तनुता का मतलब होता है कि कोई भी हम सॉल्यूशन लेते हैं तो बहुत ही हल्का हो यानि कि डाइल्यूट हो तनु हो जैसे आप पानी में चीनी यदि मिलाएं तो चीनी कम मात्रा में पानी बहुत ज़्यादा हो यानी बहुत हल्का उसको डाइल्यूशन बोलते हैं अनंत तनुता अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अवघट्य बिलियन की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसके धनायनों और ऋणायनों के मोलर चलकताओं के योग के बराबर होता है उसी तरह एच सी एल का यदि पूछा जाए तो एच प्लस की मोलर चलकता अनंत तनुता पर इसकी मोलर चलकता प्लस सी एल माइनस की मोलर चलकता दोनों का योग एच सी एल के, के बराबर होता है नोट कर लो इस पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट विद्युत रासायनिक श्रेणी देखिए तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में यदि रखा जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं यानी कि जो भी तत्व होते हैं उनका जो एस होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी मानक अपचयन विभव के क्रम में बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं और इस श्रेणी में कुछ एलिमेंटों का यहाँ पर हमने नाम लिखा है लिथियम के नीचे पोटेशियम आता है फिर कैल्शियम प्लस प्लस फिर सोडियम प्लस फिर मैग्नीशियम इस तरह से ये श्रेणी होती है और ऊपर के ये जो श्रेणी होती है ऊपर के जो तत्व होते हैं वो अपने नीचे वाले तत्वों को उनके लवणों के बिलियनों से क्या कर देते हैं विस्थापित कर देते हैं ठीक है तो ऊपर के तत्व काफ़ी अधिक ऋणात्मक होते हैं जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं धनायन ए, धनात्मक पावर इनकी बढ़ती जाती है और जो जितने ऋणात्मक होता है वह उतना ही स्ट्रांग माना जाता है ठीक है लिथियम काफ़ी स्ट्रांग है एज कंपेरिजन देन पोटाशियम प्लस से तो यदि कहा जाए तो लिथियम क्या होगा पोटेशियम को विस्थापित कर देगा उसके बिलियन से ठीक तो ये क्रम होता है इसको आप नोट कर लेंगे और विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ लक्षण भी हैं यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा गया है कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा जाता है और सेकेंड पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर के तत्वों का मानक अपचयन विभव काफ़ी अधिक ऋणात्मक होता है जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो धना धनात्मक होते जाते हैं अधिक ऋणात्मक तत्व जो होते हैं बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और कम ऋणात्मक तत्व कम क्रियाशील होते हैं और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव होता है जीरो माना जाता है ठीक है और नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर का तत्व अपने से नीचे वाले तत्वों को उनके लौड़ों के बिलियनों से क्या कर देता है विस्थापित कर देता है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम में इसको आप नोट कर लें और इसे अच्छे से कॉपी में आप लोग लिख करके इसको तैयार कर लीजिएगा सो स्टूडेंट थैंक यू